जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर। बच्चे आपका वन एक्सरसाइज आपके 1.3 और क्वेश्चन पेपर में आया है। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आपके है, चार क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। कोशिश कर लीजिए बच्चों, आपने इसको 8 से 10 मिनट में लाजमी हल कर लेना, इतने आपके पास टाइम होता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, दो तरीकों से मैं आपको बच्चों हल करवाऊंगा, जो तरीका आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से हल कर सकते हैं। तो बच्चों देख लें सवाल को, पहले पढ़ लें। एक्स माइनस एक बटा एक्स जमा लिखा है, माइनस के अलावा एक्स जमा ए बटा एक्स माइनस ए लिखा है। तो बच्चों ये रकम और ये रकम, इन दोनों में आप पहले फर्क देख लें। थोड़ा सा फर्क है, ये एक्स माइनस ए ऊपर लिखा है, इसमें एक्स माइनस ए बटे लिखे बटे में एक्स जमा है और इसमें एक्स जमा ऊपर है, तो तकरीबन दोनों एक जैसे, सिर्फ अलामतों का फर्क है। तो इसलिए इसको फर्ज कर लें एक्स जमा ए बटा एक्स जमा ए, तो बच्चों इसको फर्ज कर लिया जाएगा बराबर है वाई के। तो यहाँ पे आप लिखना भी लाजमी है तो लिखेंगे, और इसको बोलो तो नाम भी लाजमी दे रहे हैं। ठीक है जी, एक्स माइनस ए बटा एक्स जमा है, इसको बराबर वाई वाई के बच्चे लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देख लीजिए भाई आपके इसको उलट है, तो ये आपके पास आ जाएगी एक बटा वाई के। इसको कोई नाम नहीं आपने दे रहे क्योंकि हमारा तलक वाई के साथ ही है, तो वैसे समझाने के बच्चों लिखा जाता है केवल एक बटा वाई आ जाएगी। अब ये वाली आपने जो फर्ज की है इसमें दर्ज कर दो, इसकी जगह बच्चों आपके पास आ जाएगा वाई माइनस के अलावा है, और इसकी जगह पे हम लिख लेंगे एक बटा y और बराबर आपका है 7/12 के। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम 7/12 के। तो बच्चों इसके बटे में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट y y से बढ़ती तरह ही हो जाएगा आपका अगर y का स्क्वायर, तो ये y y से डिवाइड करेंगे एक आ जाएगा, एक से बढ़ती तरह आपका आ जाएगा एक। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगले स्टेप पे कर ले चाहे y माइनस का एक बटा y बराबर आपका है 7/12 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आपका बच्चों आ जाएगा 12 × y - 1 = 7y से मल्टीप्लाई कर आपका आ जाएगा 7y, तो ये आपका बनता है 12y का स्क्वायर, 12 एक से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस के 12 और बराबर आपके पास बच्चों 7y। सारी रकम में आप एक तरफ कर लें, इसको मैंने शक्ल में लिख लिया 12y का स्क्वायर माइनस के 7y माइनस के 12 और बराबर आपका है 0। अब बच्चे आपकी अपनी मर्जी है, जब ऐसी शक्ल आ जाए चाहे उसको दो तरफी फार्मूले में दर्ज कर ले, चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से तजी के तरीके से हल कर ले। तजी के तरीके से बजाय थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए चांसेस है कि आपके गलत हो जाए, तो बच्चों ये आप दो तरफी फार्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बनते हैं 144 आपका बनता है। इसको पहली रकम को भी उसी तरह देखते हैं, आगे रकम को भी उसी तरह देखते हैं, तो 140 तो बनते हैं। 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको 16 × 144 बनते हैं, और 16 में से अगर 9 लगा दे बाकी आपके पास बचे बच जाते हैं 7, और आप एक रकम माइनस की ले लें, बड़ी रकम भी यहाँ पे आप माइनस की लेंगे क्योंकि आपको माइनस के 7 चाहिए, तो माइनस के 16 और प्लस के आपके पास बचे बच जाएंगे 9, क्योंकि 16 में से 9 निकाल दे 2 और 7 = 16 होते हैं, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते हुए आपका 144 बनते हैं। पहले रकम को आप रकम से मल्टीप्लाई करना होता है 144 आता है, और माइनस का 144 आता है, इसमें जोड़े गए एक रकम माइनस होगा माइनस का होगा और एक रकम आपका प्लस होगा। इसमें से बच्चों कॉमन ले लें तो आपके 4y कॉमन निकल सकते हैं, 4y अगर निकले तो ये आपके पास बचा 3y, और यहाँ पे आपके पास रहेंगे 4, और यहाँ पे आपके पास कॉमन आ जाएगा 3, तो बाकी बच्चे आपके पास 3y और 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे आपके पास आते हैं 4 बराबर है आपका 0। तो जोड़े वाले ब्रैकेट वाले तो रकम को पहले लेके कॉमन, तो आपका 3y - 4 है, बाकी आपके पास बचे 4y + 3 4y + 3 बराबर है आपका 0। अब इस तरह आपने दोनों रकमों को 0 के बराबर फर्ज कर रहा है, माइनस ये भी आपका बचे 0 के बराबर, और इसी तरह 4y + 3 आपका 0 के बराबर, हमने की y की निकालनी है तो 4 को दूसरी तरफ ले जाए प्लस के हो जाएंगे बटा 3 कैंसिल, तो बच्चों y की कीमत आपके पास आती है 4/3 के, तो y की एक वैल्यू निकल आती है, आप दूसरी वैल्यू निकालते हैं ये 3 आपको दूसरी तरफ चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे बटा 4 और बटा 4 कैंसिल हो गए, तो y की कीमत बच्चों आपके पास आती है -4/3 के। तो ये सिर्फ y की वैल्यूज आई जबकि हमने कीमत x की मालूम कर ली, लिहाजा ये y वाली कीमतें दोनों कीमतें आपको सब आप एक में दर्ज कर देंगे। तो ये बच्चों आप लिखना भी है y की कीमतें मुसावात मालूम ये दर्ज करने से y पुट इन द वैल्यूज ऑफ y इन द क्वेश्चन,
वहां तो जो आप लाजमी लाइन लगा रही है, एक तरफ आपको ये ट्रिपल टच कर दे, दूसरी तरफ ट्रिपल टच कर दे, तो आपके पास है x माइनस a बटा x जमा a, y की जगह पे आप ये वाले पहले क्यूब लेते हैं 4 बटा 3, आप दूसरी सूत्र लेते हैं x माइनस a बटा x जमा a, और बराबर बच्चे आपने ये वाले पहले दूसरी वैल्यू ले ली है माइनस 3 बटा 4, तो कोई किसी एक को पहले हल कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस a से बराबर 4 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा x जमा a से मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ गया 3x माइनस का 3 है बराबर 4x से मल्टीप्लाई का 4x, तो 4 a से मल्टीप्लाई तो बच्चों आपका आ जाएगा 4। आपने कीमत x की निकाल ली है, इसलिए x वाले घटक एक तरफ कर ले, तो 4x आपका बड़ा दिशा है, ये वाला 3 आपका छोटा है, तो इसको उस तरफ ले दें, a वाले घटक को बच्चों आप इस तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 है, तो ये आपके बाद में बच्चों माइनस के 7 है, और 4x में से 3x निकलेगा तो आपका आ जाएगा 1x। एक बच्चों आपके x की ये वैल्यू होती है, आप दूसरी को हल कर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस a से इनटू माइनस 3, ये आपके बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएगा x जमा a से, तो ये आपके पास आ जाए 4x माइनस के 4 है बराबर माइनस के आपके 3x, और माइनस के बच्चे आपके पास आ जाएंगे माइनस के 3x वाले घटक में एक तरफ कर ले, तो बड़े से बड़ा थी सर आपका 4x है, ये आपका माइनस का 3x छोटी रकम है, तो माइनस के 3x को इस तरफ ले आए, तो आपकी हो जाएगी प्लस के, एक ही रकम को बच्चे आप दूसरी तरफ ले जाए, ये माइनस के 4x थे, जब दूसरी तरफ जाएंगे तो आपके हो जाएंगे प्लस के 4, तो आपके पास बच्चों बन जाते हैं 3x और ये 4x आपके जमा भी हो जाएंगे 7x, ये 4 है इससे 3 निकल जाएगा, तो बच्चों आपके पास बाकी बचे सिर्फ ये बटा 7 कर दे तो कट जाएगा, तो x बराबर आपके पास आता है a बटा 7 के, तो बच्चों इस तरह आपके पास दो वैल्यूज x की आ जाती है, माइनस का 7 है वो a बटा 7, और ये बच्चों आपका हल सेट है, तो ये तो आपका वो मेथड है जो हम टीचर करवाते हैं, जो आपके बुक मेथड में भी बच्चों ये दिया गया है, बुक के मुताबिक भी यहाँ पर इसी तरह ही दिया गया है, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है, तो बच्चों मैं आपको दूसरे तरीके से भी इसको हल करवा देता हूँ, ताकि जो तरीका आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से सवाल को हल कर सकें। दूसरा बच्चे नेट तरीके हैं जिसमें हमने किसी को फर्ज नहीं करना होता, किसी के बराबर इसको हमने फर्ज नहीं करना, बराह रास्त हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इस तरह का आपका एलसीएम आ जाएगा जी x जमा a इनटू x माइनस a, जब ये आपका एलसीएम को x के पावर पर डिवाइड करेंगे तो x जमा a x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x माइनस a, और ऊपर भी आपके पास x माइनस a है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको हम x माइनस a का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस के अलावा है, अब एलसीएम को जब डिवाइड करेंगे सारी रकम बटे वाली पर बच्चे डिवाइड कर रहा होता है, x माइनस a से हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास बच जाएगा x जमा a, और x जमा a ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर भी आपके पास x जमा a है, इसलिए हम इसको x जमा a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं जी। बच्चों फार्मूला खोल लें, तो ये आपके पास आ जाएगा पहले का मुरब्बा x का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर माइनस के आपके पास 2 इनटू आपके पास अब जी पहली रकम, और इनटू आपके पास कुछ और चाहिए दूसरी रकम, ये हम बड़ी ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि आपके पास दो रकम है और माइनस के अलावा है, इस तरह आगे x का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर प्लस के आपके पास बचे 2 इनटू पहली रकम होती है और इनटू आपकी है दूसरी रकम, ये हम ब्रैकेट की है और बटा जो कि एक जैसी रकम है, तो ये आपके पास फार्मूला बन जाए x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बच्चों बराबर आपके 7 बटा 12 के, तो ये आपका आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ax, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएगी, आगे ब्रैकेट भी लगा ली है माइनस की अलामत है, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और ये आपके बच्चे प्लस है यार 2ax बटा x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और राइट साइड पे बचे आपके 7 बटा 12 के, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट के बाहर माइनस के अलावा है ये वाली, तो ब्रैकेट के अंदर हर रकम के अलावा को बच्चों डिलीट कर दे, 2x
बटा x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और बराबर आपने साथ लगा 12 के x का स्क्वायर जमा x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर से आपका कैंसिल हो जाएगा और a का स्क्वायर आपके a के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचे आपके पास बच जाते हैं माइनस के 4x बटा x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर है 7 बटा 12 के अब अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा 12 इंटू माइनस 4x बराबर 7 इंटू x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 48 48x और इस तरफ आपके पास आ जाएगा 7 x का स्क्वायर माइनस 7 a का स्क्वायर। हमने कीमत निकालनी है x की तो सारी रकमें x का स्क्वायर ये दाएं तरफ है रकम को दूसरी तरफ ले जाए तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 7 x का स्क्वायर ये 48 को उस तरफ ले जाए तो आपकी हो जाएगा प्लस के x और माइनस आपका है 7 x का स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7 x का स्क्वायर जमा के आपके पास है 48 x और माइनस 7 a का स्क्वायर बराबर आपके बच्चों 0 के। तो देखिए इसमें 7 आपका कॉमन है बेहतर है 7 कॉमन ले लें आसान हो जाएगा। सात कॉमन नहीं निकलता बच्चों तो अब देखिए इसको हम फैक्टराइज में से हल कर लें चाहे आप दो तरफी फार्मूला से कर लें आपकी अपनी मर्जी है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए जाएगा तो आपके पास बच्चों आता है 49 तो 49 को फैक्टराइज करेंगे 7 एक्स का स्क्वायर हम ले लेंगे प्लस के 49 ले लेते हैं बच्चों ए एक्स 49 एक्स और माइनस का हम ले लेते हैं ए एक्स 49 एक्स में से आपका एक्स निकलने के बाद भी आपके पास 48 बचते हैं और ये बराबर आपका आता है 0 इसमें से कॉमन ले लें तो बच्चों आपका कॉमन निकलते हैं 7x कॉमन निकले तो बाकी आपके पास बचेगा इसमें बचा ए एक्स और ये आपके पास आ जाएगा 7 ए माइनस इसमें आपको कॉमन है सिर्फ a और माइनस के अलावा है तो ये आपके पास बचे बाकी आ जाएगा 7 बराबर आपका 0। आप जोड़े को ले लेते हैं x जमा 7 ये आपको कॉमन आ जाएगा और इनटू आपका है 7x माइनस a बराबर आपके बचे 0 के तो इसको आपने x जमा 7 ये भी आपने 0 के बराबर ले लिए है दूसरी आपके 7x माइनस a बराबर 0 के हमने दो के जो आंसर निकालने होते हैं हम निकलेंगे इसके तो बच्चों ये माइनस के स्क्वायर जाकर आपका प्लस का हो जाएगा बटा 7 ये आपका बटा 7 7 7 से कैंसिल हो जाएंगे और x बराबर आपके पास आ जाएगा 7 बटा 1 के और दूसरा बच्चों आपके पास है x जमा 7 है बराबर आपका 0 के तो ये 7 को दूसरी तरफ ले जाए तो आपके हो जाएगा माइनस का 7 ये आपका ये आंसर आते हैं। इसमें बच्चों आपका है 7 है वो 1 बटा आपका है 7 और ये बच्चों आपका हल सेट है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।